साथ में रख लो भैया, आपके काम आएगा। देखिए एक हफ्ता तक खराब नहीं होता है, इसमें मट्टी है, मटर है, जो हम लोग रोज खाते हैं वो खराब नहीं होता। आप पता कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये जो आपका नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जिस तरह कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अंदर भी डर है। वे लोग किस तरह अपने घर के रास्ते को और जा रहे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। कई मजदूरों ने तो साइकिल खरीदी है और कई मजदूर पैदल ही अपने घर पर जा रहे हैं। तो पल पल की टीम भी आपसे अनुरोध करती है कि बच के रहिए इस बीमारी से और अपने घर पर रहिए, कोई जल्दबाजी ना करे। जितना आप सावधानी बरतोगे आपके लिए ही फायदेमंद है। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने ये सोचा, जो भी बाहर से जो लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो सिरसा शहर के अंदर से जो गुजर रहे हैं, उनको खाने की सुविधा नहीं है, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। जब वो अपना दूर दूर जो कोई बरेली के लिए निकला हुआ है, कोई लखनऊ जाएगा, कोई दिल्ली जा रहा है, बहुत दूर दूर से जो ये लोग आए हुए हैं, तो हमारे मन में, मैं बजाज स्वीट से बिलोंग करता हूँ, बजाज स्वीट जो कि खैरपुर के अंदर है, और वो जो बजाज स्वीट्स में मेरे जो कारीगर थे, हमने उनके द्वारा साफ़ सुथरा भोजन बनवा के और ऑर्गेनिक तरीके से जो भोजन बनवाया, वो भोजन मैं इन लोगों के लिए, मैं भाईचारे के नाते, क्योंकि ये सब लोग हमारे भाई बंधु ही हैं, और हमारे मन में ये आया कि हमें कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करना चाहिए। और हम सरकार से भी यही चाहते हैं कि आप जो भी है, सरकार जो भी इनको दे पाए या इनको अपने घरों तक जो पहुँचा पाए, तो बहुत ही अच्छा होगा। यही मैं सरकार से भी मांग करता हूं और उस परम पिता परमात्मा से ये दुआ करता हूं कि सब लोग अपने घर ठीक ठाक पहुंच जाएं, और सब लोग इनके बारे में भी, जो ये मेरी निजी राय है, आप सब लोगों से भी ये है कि जो आप लोग दूरी बना के रखें, जहां भी आप बैठें वहां दूर दूर रहें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये किसी को भी नहीं बख्श रहा है। इसलिए मेरी सब मजदूर भाइयों से भी, या जो भी इस, मतलब जो यहाँ से गुजर रहा है, या जो इस दुनिया में, जो संसार में जो प्राणी है, उन सबको हमारी सरकार की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाएं, उसका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कितने लोगों को खाना दे चुके हैं सर आप अब तक? अब तक मैं इनको लगभग जो है 100 लोगों को खाना दे चुका हूं जी, और 100 लोगों के बाद में आगे भी जो हमें कोई भी और भी मिलेगा, तो उनके जो भी हम उनकी ज़रूरत होगी, जो बेसिक ज़रूरत होती है, जैसे पानी है पीने का या खाने का सामान है, वो उनको दिया जाएगा। ठीक है। जो लोग आप लोगों की तरह जा रहे थे, उन्होंने मुझे खाना दिया, गुरुद्वारे से खा के आया। कोई कुछ देता है, कोई केला देता है, कोई खाना देता है, कोई कुछ देता है। होटल वगैरह वो भी बंद है, कहाँ से खाएँगे? मुझे घर जाना है।